नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में केरन सेक्टर के पास भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, केरन सेक्टर में घुसपैठ करते हुए सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, इसकी खबर भारतीय सेना को मिली और तुरंत सतर्क हुई। भारतीय सेना ने इन 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। तलाशी लेने पर इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, इसके साथ ही कुछ दस्तावेज भी बरामद होने की खबर है। लेकिन सैन्य सूत्रों का कहना है कि जब घुसपैठ हो रही थी तो इस दौरान भारतीय सेना ने इन्हें देख लिया, इन्हें रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद जब ये नहीं रुके तो इन पर फायर किया गया और 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें, इनसे भारी हथियार भी बरामद हुए हैं। मामले में अभी भी तलाशी अभियान अब जारी हो चुका है और ये तलाशी अभियान आगे कब तक चलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सैन्य सूत्रों का कहना है कि इसमें और भी आतंकवादियों के घुसपैठ करने की जानकारी सामने आ सकती है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं पिछले 1 महीने में कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। 1 महीने में कम से कम 5 से ज्यादा आतंकी हमले हुए थे। हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ था तो इसमें गढ़वाल राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन अब इसी दौरान भारतीय सेना को कुपवाड़ा में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें, पिछले 1 महीने में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में करीब 11 आतंकवादियों को ढेर किया है और अब इन 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। दूसरी ओर इसको लेकर के सियासत भी खूब हो रही है। विपक्षी नेता केंद्र सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं कश्मीर में, उसको लेकर के कई सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन राजनीति के बीच में राजनीति होती रहती है और इसी बीच में भारतीय सेना को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में केरन सेक्टर में घुसपैठ करते हुए 3 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है।